मसीह यीशु के ज़िंदा और बबरकत नाम है आप सबको सलाम। मेरा नाम है तहलीम विलियम और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज उसने हमें आपकी इबादत में और आपको हमारी इबादत में शामिल होने का मौका दिया। और आज हमारे साथ हैं मिसेस टोनी विलियम, पादरी टोनी विलियम। अब हम मामा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस सुहाने दिन के लिए जिसमें तूने हमें शामिल किया और खुदावंद तूने वक्त बख्श दिया कि हम तेरे सुंदर कदमों में आ सकें, तेरे कलाम को सुन सकें और उससे 60 गुना 100 गुना फल लाने का बायस बन सके। आए बाप, तमाम नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। देखने वालों को सुनने वालों को खुदा बहुत बरकत अता फरमा और खुदा जब कलाम पढ़ा जाता है तो खुदा हर एक बंदे के दिल में ठहरे और खुदावंद तेरा कलाम फल लाए। दुआ को सुनना और कबूल करना ये तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। अब हम खुदा के हुजूर अपनी आवाज़ें बुलंद करेंगे। जबूर 91 दूजा हिस्सा और दूजा वदन। या रब तू मेरी पना है सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पना है सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है सो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है सो तेरा है मकान। सो अब हम सब कलाम की तलावत करेंगे। सबसे पहले मैं करूंगी। जबूर 71 उसकी 6 और 7 आयत पहले अंग्रेज़ी में तलावत करेंगे। साम 71 वर्स 6 और 7। फ्रॉम बर्थ आई हैव रिलाइड ऑन यू, यू ब्रॉट मी फॉर फ्रॉम माई मदर्स वूम। आई विल एवर प्रेज यू, आई हैव बिकम अ साइन टू मैनी, यू आर माई स्ट्रॉन्ग रिफ्यूज, आमीन। अब उर्दू में तलावत करेंगे। तू पैदाइश ही से मुझे संभालता आया है, तू मेरी माँ के बतन ही से मेरा शफीक रहा है। सो मैं सदा तेरी सताइश करता रहूँगा, मैं बहुतों के लिए हैरत का बायस हूँ, लेकिन तू मेरा मौकम पनागा है, आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े उसने जाने पर उसकी बरकत हो। अब हम खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करेंगे। आए हम अपनी आँखें बंद करें, सरों को झुकाएँ और दुआ करें। खुदूस खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्श दिया कि इसमें हम मिलकर तेरी इबादत कर सकें, प्रस्तुत कर सकें। खुदाए पाक रो इस वक्त अपने कलाम की तशरीह और तफसीर में तू हमारी रहनुमाई कर, बख्श दे तेरे कलाम में से जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारी जिंदगियों के लिए 30, 60 और 100 गुना फल का बायस हो। हमें अपने में मजबूत कर और मजबूत रहने का फ़ज़ल बख्श दे। मसीह खुदावन के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम
अक्सर अपनी ज़िंदगी में महरूमियों, नाकामियों, कमियों, कमज़ोरियों, हमारे पास क्या नहीं है, इन चीज़ों पे रोते रहते हैं। हमेशा यही सोचते हैं हमारे पास क्या नहीं है, और बेशुमार ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हम कभी देखते ही नहीं। मैं जब ज़बूर नवीस की इस बात को देख रहा था तो वो कहता है तो पैदाइश ही से मुझे संभालता आया है, यानी कि ज़िंदगी में हज़ारों मरतबा खुदा ने आपको और मुझे संभाला है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को फरामोश कर देते हैं, भुला देते हैं और अपनी नज़रों से ओझल कर देते हैं। हमें याद नहीं रहता कि खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। हम ये समझते हैं कि खुदा ने क्या कुछ हमारे लिए नहीं किया, हमें उन चीज़ों को ज़्यादा गौर से देखने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जो आपको तहरीक देते हैं कि आप ये सोचिए आपके पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, वो आपको लालच की तरफ, दुनियादारी की तरफ और दुनिया की चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं, और अपनी तरफ से वो ये कोशिश करते हैं कि आप मेहनत करें और उन दुनिया की चीज़ों को हासिल करें। लेकिन ये बात याद रखें, दुनिया की चीज़ों को हासिल करने की इस जिद्दोजहद में ये भूल जाना कि खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए क्या कुछ किया है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ लिखा है तू पैदाइश ही से मुझे संभालता आया है, तू मेरी माँ के बतन ही से मेरा शफीक रहा है, सो मैं सदा तेरी सताइश करता रहूँगा, मैं बहुतों के लिए हैरत का बायस हूँ। अरे बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे, मेरे जैसे लोग हैं जो मौत को छू कर वापस आ गए। बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ, हम रोड पे जब जाते हैं, कभी कराची, कभी क्वेटा, कभी पिशावर, कभी फैसलाबाद, कभी इस्लामाबाद, तो रास्ते में कई दफ़ा ऐसे हादसात होते हैं जिसमें लगता है कि शायद अभी गाड़ी हिट हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुदा हमें संभालता है। लोग हैरत से देखते हैं। बहुत पुरानी बात है कि एक दफ़ा हमारा जो ड्राइवर था वो सो गया और हमारी गाड़ी जो थी वो खेतों में चली गई, और हम लोग बाहर खड़े होकर अपनी गाड़ी को देख रहे थे क्योंकि गाड़ी पूरे तौर पर तबाह हो गई थी, और हम लोग जितनी भी सवारियां थी, मैं था, मेरे और रिश्तेदार थे, हम लोग सारे बाहर खड़े होकर गाड़ी को देख रहे थे और हम परेशान हो रहे थे कि गाड़ी को क्या हो गया। तो एक शख्स आया और उसने बड़ी हैरत के साथ हम सबको देखा और उसने कहा कि इतने ख़तरनाक हादसे के बाद आप सब अपनी टांगों पर खड़े हुए, आप सब लोग इस गाड़ी को देख रहे हैं कि ये तबाह हो गई है, आपको ये पता नहीं है कि जैसे हादसे से आप गुजरे हैं, ऐसा जब हादसा होता है तो हम लाशों को गाड़ी काट के उसमें से निकालते हैं और आप बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हैं, ये तो हैरान कन बात। तो मैं उस वक्त इस बात को समझ पाया कि ये कैसे हैरत का बायस होता है लोगों के लिए, जब लोग कहते हैं कि आप बच गए, आप कैसे बच गए। बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ हमारे साथ, हम रास्ता भूल गए, वीरानों में चले गए और अचानक ही फिर खुदा ने किसी गाड़ी को भेजा, किसी शख्स को भेजा, किसी मददगार को भेजा जिसने हमारी मदद की, और जब हमने लोगों को बताया तो लोगों के लिए ये हैरत का बायस थी कि आप बच कैसे गए। यहाँ ये बात याद रखें कि जो खुदा माँ के बतन ही से आप पे अपनी शफकत दिखाता आया है, उसने आज तक हमेशा आपके लिए अपनी शफकत का इजहार किया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 97 में मेरे फेफड़े जो थे इसके बीच में क्लोरीन गैस भरने की वजह से ये डैमेज हो गए थे और अंदर ऑक्सीजन नहीं थी रुकती, इसलिए लगातार ऑक्सीजन का मास्क पहनना पड़ता था, सिलेंडर लगाना पड़ता था, लेकिन फिर भी लोगों ने देखा कि एक बंदा जो रात को बीमार होता था वो सुबह मर जाता था, जो सुबह बीमार होता था वो शाम तक मर जाता था, लेकिन मैं 2 हफ्ते तक बीमार रहा और आज आपके सामने हूँ, और इस वाक़े को गुजरे हुए आज कितने साल हो चुके हैं आप आदाद शुमार लगा सकते हैं। लोग हैरत का शिकार हो जाते हैं, ये बच कैसे गया, ये जिंदा कैसे बच गया, इसको बचा कैसे लिया खुदा ने। हम दरियाए नीलम पे जा रहे थे और हमारी अपनी ही गाड़ी ने हमारी दूसरी गाड़ी को हिट किया और हमारी गाड़ी जाके पहाड़ में लगी, और हम सब के सब बिल्कुल हिफाजत के साथ गाड़ी में से निकल आए, और खुदा उनका शुक्र हो कि लोग हैरत से देख रहे थे कि गाड़ी पहाड़ में जाके लगी है और उसे कुछ भी नहीं हुआ, लोगों को कुछ नहीं हुआ, कोई मरा नहीं है, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, और छोटी छोटी खराशें लोगों को आईं और बाकी सब कुछ खुदा ने संभाल लिया। इसलिए आपके लिए भी लोग जो हैं वो हैरान हुए होंगे कि ये कैसे बच गया, ये कैसे बच गई, ये कैसे ज़िंदा महफूज रहा, इसे तो मर जाना चाहिए था। और यहाँ पर क्या लिखा है, मैं बहुतों के लिए हैरत का बायस हूँ,
लेकिन तू मेरी मोहकम पनागा है। हमारी मोहकम पनागा जो है वो हमारा खुदा है जिसमें हम महफूज हैं। वो हमें जब तक इस दुनिया में रखना चाहता है, वो हमें मौत से, हादसात से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से, कोरोना जैसी वबा से जिसने दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, उससे भी खुदा ने आपको और मुझे बचाया है। इसलिए खुदावन का शुक्रिया अदा करें और ये बात याद रखें कि जो कुछ खुदा ने दिया रोज़ाना उठकर उसका शुक्र अदा किया करें। जब भी आप सुबह उठते हैं तो उठते साथ पहला जो सांस लेते हैं अपने होशो हवास में, उसके साथ खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन शुक्र है तेरा कि तूने आज की एक और सुबह मुझे दी ताकि ये दिन मैं तेरे हजूर गुजार सकूं। और वो दिन आपके लिए बाइस बरकत होगा और आप लोगों के लिए हैरत का बाइस होंगे। और ये बात याद रखें कि मेरी और आपकी एक ही पनाहगाह है जो मोहकम है, और वो मेरा और आपका मसीह है जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी है। प्रेज द लॉर्ड। आए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। कुदूस खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें माँ के बतन ही से अपनी शफकत के नीचे रखा है। तूने ऐसे ऐसे काम किए कि लोग हैरतज़दा हो गए। तूने हमारे लिए इतनी बड़े बड़े काम किए कि सचमुच लोग अपनी उंगलियां अपने दांतों में दबा कर बैठ गए कि इनको तो मर जाना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था, सब कुछ तबाह हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी खुदावन तूने हमें महफूज रखा क्योंकि तू हमारी मोहकम पनागा है। खुदावंदा आज से लेके हमेशा तक जब तक हमारी जिंदगियां हैं तो इसी तरह हम पे अपनी शफकत का साया रख और हमें अपने में महफूज रख। और बख्श दे खुदावंदा कि जिन लोगों ने हमें कहा कि हम उनके लिए दुआ करें, उनके लिए तू बरकत दे, उनकी बीमारियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, कमियों को, कमज़ोरियों को, जो भी प्रॉब्लम्स खुदावंदा ख़ानदानों में, घरानों में, जिंदगियों में पाई जाती हैं, उन सबको यीशु के नाम में दूर कर और उन पर अपना आसमान खोल ताकि वो और ज़्यादा बरकत पाए। खौफ अगर दिलों में है तो उसको निकाल, अगर परेशानियाँ हैं तो उनको दूर कर, अगर खुदावंदा पैसे की कमी है, बरकत की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है तो अपना आसमान खोल के हमारे उन रिश्तेदारों के लिए जो यहाँ हमारे साथ नहीं है, जो ऑनलाइन है या जो दूसरे मुल्कों में हैं, उनको तो बड़ी बरकत दे, उन्हें अपने खून में छुपा कर महफूज रख और फजल दे के वो इसी तरह तेरी ज़ात का तजुर्बा हासिल करते रहें, वो जानते रहें कि तू हमें कितना प्यार करता है और ये जान सके कि तू हमारी मोहकम पनागा है। आमीन।